ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो। पढ़े लिखे युवाओं की नौकरियों से वंचित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। युवाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जम्मू विरोधी भाजपा, जम्मू विरोधी भाजपा, जब से भाजपा आई है महंगाई और भाजपा आई है बेरोजगारी और तबाही लाई है, नहीं है, नहीं। क्लास फोर नौकरियों में ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो। युवाओं को नौकरियों से वंचित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। युवाओं के मौलिक अधिकारों का हनन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाजपा सरकार, भाजपा सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन, जम्मू कश्मीर प्रशासन, क्लास फोर की नौकरियों में ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो। युवाओं को नौकरियों से वंचित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। युवाओं के मौलिक अधिकारों का हनन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाजपा सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन, जब से भाजपा आई है बेरोजगारी और महंगाई लाई है, लाई है, लाई है। जब से भाजपा आई है महामारी और बेरोजगारी लाई है, लाई है, लाई है। क्लास फोर नौकरियों में ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो। युवाओं को नौकरियों से वंचित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। युवाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। युवा विरोधी भाजपा, जम्मू विरोधी भाजपा, राष्ट्र विरोधी भाजपा, महिला विरोधी भाजपा, क्लास फोर नौकरियों में ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो। युवाओं को नौकरियों से वंचित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जब से भाजपा आई है बेरोजगारी और महामारी लाई है, लाई है, लाई है। जब से भाजपा आई है तबाही और महंगाई लाई है, लाई है, लाई है। क्लास फोर नौकरियों में ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो। युवाओं को उनकी नौकरियों से वंचित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाजपा सरकार, हाय हाय। जम्मू विरोधी भाजपा, हाय हाय। राष्ट्र विरोधी भाजपा, हाय हाय। युवा विरोधी भाजपा, हाय हाय। महिला विरोधी भाजपा, हाय हाय। क्लास फोर नौकरियों में ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो। युवाओं को उनकी नौकरियों से वंचित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जब से भाजपा आई है बेरोजगारी और महामारी लाई है, लाई है, लाई है। थोड़ा थाले करो ना भाई, थोड़ा थाले करो, बीजेपी के राज में जिस तरीके से बेरोजगार नौजवानों के साथ ज्यादती हुई है, उनकी अनदेखी हुई है, उसके विरोध में पैंथर्स पार्टी ने आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पुतला जलाकर अपने विरोध का इजहार किया है। बड़े बड़े वादे इन नौजवानों के साथ किए जाते रहे कि जब उनकी सरकार आएगी तो 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, 5 सालों में 10 करोड़ नौकरियां देंगे, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी लगातार इस संदर्भ में वादे किए जाते रहे। पिछले 5 साल से यहाँ का बेरोजगार युवा, पढ़ा लिखा युवा इस बात का इंतज़ार करता रहा कि हमारे जॉब्स जो हैं वो एडवर्टाइज होंगे, हमें मौका मिलेगा सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का, जॉब हासिल करने का। लेकिन 5 सालों के बाद जो 8,575 क्लास फोर्थ के जॉब्स भी निकले हैं, उनमें हाईली क्वालिफाइड यूथ को डिबार किया गया है, जो एक बहुत बड़ा ज़्यादती है, असंवैधानिक है, गैर आइनी है कि पढ़े लिखे नौजवानों को उनकी हायर क्वालिफिकेशन हासिल करने के लिए सजा दी जा रही है। बाकी जॉब्स नहीं निकाले जा रहे हैं इन नौजवानों के लिए जो पढ़े लिखे हैं, कोई भी एवेन्यूज क्रिएट नहीं किए गए हैं, और जो हैं उनमें ये अप्लाई ही नहीं कर सकते, जिसकी वजह से लाखों की तादाद में जो नौजवान हैं उनके अंदर भारी रोष और भारी गुस्सा देखने को आज की तारीख में मिल रहा है। नौजवानों का ये कहना है कि जहां उनको सिलेक्शन प्रोसेस में भी हिस्सा नहीं लिए देने लिया जा रहा, वहीं मिलिटेंट्स के वार्ड्स के लिए
स्कॉलरशिप्स जो है इस सरकार ने डबल करने का भी प्रपोजल जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना। इनकी सरकार में मिलिटेंट्स के वार्ड्स को स्कॉलरशिप दी जाती रही, मंथली स्कॉलरशिप मिलती रही, हॉस्टल फीस मिलती रही, लेकिन जो राष्ट्र हित में बात करने वाले नौजवान हैं उनके साथ इस किस्म का अन्याय पैंथर्स पार्टी किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कि आपका घिनौना चेहरा अब लोगों के सामने आ चुका है। जो व्यवहार आज आप जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ कर रहे हैं, खासतौर पर पढ़े लिखे युवाओं के साथ कर रहे हैं, वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही कंडेमनेबल है। और नौजवानों के अंदर गुस्सा दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ बढ़ता जा रहा है, इसका खुमाइजा आने वाले वक्त में आपको भुगतना पड़ सकता है। इसी का जो है विरोध करने के लिए ये आज यहाँ कार्यक्रम हुआ। और सरकार से कहना चाहते हैं कि जो भी क्लास फोर्थ के लिए अप्लाई करना चाहता है उसके ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। यहाँ PhD लोग हैं, MPhil लोग हैं, ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स लोग हैं, उनके लिए आपके पास कोई जॉब्स नहीं है। ये बड़ी हैरानगी की बात है, उनके लिए भी जॉब एवेन्यूज जो है वो क्रिएट होने चाहिए। और यहाँ भी जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनको अप्लाई करने से पाबंदी उनके ऊपर लगाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये किसी भी हालत में पैंथर्स पार्टी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये पैगाम हम यहाँ के प्रशासन को और भारतीय जनता पार्टी